प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा विद्यालय एक जंगली सीमा क्षेत्र में आता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जंगली सीमा में। यह क्षेत्र औषधियों से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में ऐसी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जिसका उपयोग जो है बैद्यनाथ कंपनियाँ और डाबर कंपनियाँ और भी सब कंपनियों से यहाँ दवाइयाँ जाती हैं। मैं आज आपको एक ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ जो शुगर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। मधुमेह रोग के लिए यहाँ एक लकड़ी पाई जाती है जिसको बिजहरा कहते हैं स्थानीय भाषा में। इस लकड़ी के लोग यहाँ ग्लास बनवाते हैं, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं ये ग्लास बनाया जा रहा है। इस ग्लास के अंदर जो है लोग पानी भर के इसको पीते हैं और बताते हैं कि मधुमेह रोग में यानी कि शुगर रोग में यह काफ़ी लाभदायक होता है। आप राजेंद्र जी हमारे एसएमसी अध्यक्ष हैं जो कि जंगल में जाते रहते हैं और वहाँ से ये बिजहरा की लकड़ियाँ ले आते हैं और उसकी ग्लास बनाते हैं जिसकी काफ़ी शहरों में काफ़ी डिमांड है। इस ग्लास इसकी खासियत ये है कि अभी ये बना रहे हैं, इसको बीच से काट के इसको दो अलग अलग भाग में करेंगे और इसमें जब पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद उसका रंग बदल जाता है और उस पानी को जब पिया जाता है तो वो पानी जो है सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यहाँ तक कि जो है मधुमेह रोग में बताते हैं कि काफ़ी ये फायदेमंद है। इसमें दो ग्लास है, अभी बीच से इसको काटा नहीं गया है, पूरा बना नहीं है। इस ग्लास को बीच से काट के इसको अलग कर देंगे और इस ग्लास में पानी रात भर रखते हैं और रात भर रखने के बाद इस पानी को जो है सुबह उसको पी लिया जाता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जैसा इन्होंने बताया है। इस लकड़ी को इस सादे क्रिस्टल पानी में मैं आपको डाल के दिखाऊंगा कि किस तरह रंग बदलता है। चलिए शुरू करते हैं, अब आपको हम दिखाते हैं। आप मेरे हाथ में एक ग्लास देख रहे हैं जिसका पानी बिल्कुल सादा है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब इसमें मैं इसके छोटे जो बिजहरा लकड़ी है इसके छोटे टुकड़े डाल के दिखाता हूँ कि किस तरह ये रंग बदलता है। आप देख रहे हैं ये पानी लगभग 3 मिनट तक मैं रखा था और पानी का रंग देखिए बिल्कुल कॉफ़ी की तरह हो गया, बिल्कुल नीला नीला ऊपर है और नीचे बिल्कुल लाल हो गया है। इसको मैं आपको पी के दिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा कैसा पानी का रंग हुआ है। पानी में एक जैसे घड़ा महकता है उसी तरह एक सोंधापन इसमें आ रहा है। अगर बात इसकी खुशबू की करें तो इसमें पानी में बिल्कुल ऐसी खुशबू नहीं है या कोई ऐसी भी बदबू नहीं है जो आपको बर्दाश्त ना हो। पानी में बहुत एक हल्का बिल्कुल सोंधापन है जिस तरह घड़े में आता है, इसको बिल्कुल पिया जा सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने एसएमसी अध्यक्ष जी को, राजेंद्र जी को, जिन्होंने इसकी जानकारी मुझे दी। यह जानकारी मैं आप लोग सभी लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप इसको अधिक से अधिक इसके बारे में जानें और भी खोज करें, अगर इसमें सत्यता हो तो बिल्कुल इसको प्रयोग करें आप। धन्यवाद।